बस्ती वालों पर पूर्वांचल का प्रहार होगा और पूर्वांचल का प्रहार जिस पर हुआ वो मैदान से भी बाहर जाकर गिरता है। आपका उत्साह एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार साथियों, 4 जून 2024 ये तारीख भारत का भविष्य तय करने जा रही है। अमृतकाल के संकल्प, विकसित भारत का निर्माण, 140 करोड़ सपने 4 जून को देश एक नई उड़ान के लिए पंख फैलाएगा। इसलिए करोड़ों लोग 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। जो करोड़ों लोग 4 जून का इंतजार कर रहे हैं, 3 करोड़ गरीब जिन्हें आने वाले सालों में पक्का घर मिलेगा, उन्हें 4 जून का इंतजार है। 70 साल की उम्र से ऊपर के वो बुजुर्ग जिन्हें अब 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा, उन्हें 4 जून का इंतजार है। वो करोड़ों युवा जिन्हें मुद्रा योजना से अब 20 लाख रुपए की मदद मिलेगी, उन्हें 4 जून का इंतजार है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 3 करोड़ बहनें जब लखपति दीदी बनेगी, उन्हें 4 जून का इंतजार है। देश के करोड़ों लोग जिन्हें पीएम सूर्य घर योजना से मुफ्त बिजली मिलेगी, उन्हें 4 जून का इंतजार है। देश को पता है 4 जून से ही भारत के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब है हर भारतवासी के पास आगे बढ़ने के ज्यादा मौके, हर भारतवासी के पास अपनी आय ज्यादा बढ़ाने का मौका। 4 जून को बुधवार मंगल के दिन हनुमान जी के आशीर्वाद से भारत की एक मंगल यात्रा की नई शुरुआत होगी। साथियों, देश की प्रगति से बांस गांव के लोग, देवरिया के लोग खुशियों से भरे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जिन्हें भारत की प्रगति से पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग 4 जून को लेकर अलग ही सपने देख रहे हैं। पाकिस्तान में सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए दुआ पड़ी जा रही है। सीमा पार से जिहादी उन्हें समर्थन दे रहे हैं। यहां सपा कांग्रेस वाले वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। इनका मुद्दा देश का विकास नहीं, ये तो भारत को कई दशक
पीछे ले जाना चाहते हैं। आप इनके मुद्दे देखिए, इंडी जमात कह रही है ये सरकार में आएंगे तो कश्मीर में फिर से 370 लगाएंगे। ये बंटवारे के पीड़ितों को नागरिकता देने वाला सीएए कानून रद्द करेंगे। आप मुझे बताइए ये किसका एजेंडा है? यही तो भारत विरोधी ताकतें भी चाहती है, फिर इंडी वाले भी यही क्यों चाहते हैं? साथियों, कांग्रेस ने हमेशा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। अभी एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आपको पता है ना, हमारे देश इतनी मात्रा में नौजवान है तो जरा ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, मीडिया वालों के लिए भी नया होगा। आपको पता है हमारा देश ब्रह्मोस मिसाइल बनाता है और वो दिन दूर नहीं जब यूपी में भी ब्रह्मोस मिसाइल बना करेगी। और ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी है जिसका खौफ दूर दूर तक है। दुनिया के कई देशों में ब्रह्मोस मिसाइल की मांग रही है, लेकिन कांग्रेस को ये भी पसंद नहीं आया जो देश भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहते थे, दुनिया के कई देश। कांग्रेस सरकार ने उनके सामने भी रोड़े अटकाए। आप जानते हैं क्यों? ये इंडी वाले चाहते हैं भारत रक्षा क्षेत्र में न आत्मनिर्भर बने और न ही भारत में हथियार एक्सपोर्ट करने की क्षमता पैदा हो। ये इंडी वाले चाहते हैं विदेशी हथियारों की डील होती रहे, इनकी दलाली आती रहे, बॉफोर्स घोटाले होते रहे, ऑगस्ट वेस्टलैंड घोटाले होते रहे। वो पात्रोची मामा को वो वाला खेल कांग्रेस जारी रखना चाहती थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, देश का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। अब आप बताइए, देश में डिफेंस कॉरिडोर बनाने वाली सरकार होनी चाहिए या दिवाली वाली या जो हर मौके पर, दिवाली हो या होली हो, हर मौके पर जो दलाली ही करना चाहते हैं, क्या दलाली करने वाली सरकार चाहिए क्या? साथियों, ये कांग्रेस और सपा, ये इंडी जमात वाले, इनकी राजनीति का एक ही मकसद है, तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के लिए हमारी आस्था को गाली देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, रामलला प्राण प्रतिष्ठा का असर, उस निमंत्रण को ठुकरा देती है।
इंडी जमात वाले राम मंदिर को अपवित्र कहते हैं, सपा के नेता राम मंदिर को जाना उसको पाखंड बताते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, मुझे जवाब देंगे ना आप लोग, राम मंदिर को गाले देने वालों को पूर्वांचल में एक भी सीट मिलनी चाहिए क्या? किसी भी बूथ में उनको वोट मिलना चाहिए क्या? साथियों, इंडी जमात का अब अगला निशाना हमारे देश का पवित्र संविधान है। बाबा साहब आंबेडकर ने धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, कर्नाटका में कांग्रेस ने पिछड़ों का आरक्षण रातों रात मुसलमानों को दे दिया, बंगाल में टीएमसी वालों ने फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाकर पिछड़ों का आरक्षण लूट लिया, मुसलमानों को दे दिया, यूपी में सपा उसी टीएमसी का प्रचार कर रही है। भाइयों बहनों, मैं मेरे दलित मेरे पिछड़ा समाज को याद दिलाना चाहता हूं, 2012 में सपा ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि मुसलमानों को दलितों के बराबर आरक्षण मिलना चाहिए। इंडी जमात इसके लिए संविधान बदलना चाहती है। मैं इनसे सवाल पूछता हूं तो ये मोदी को गाली देते हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध मोदी डट करके कर रहा है, विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप मोदी को साथ देंगे कि नहीं देंगे? क्या धर्म के आधार पर आप देश को बंटने देना चाहिए, फिर से देश के होने देना चाहिए? दलित पिछड़ा के आरक्षण की लूट रुकनी चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? साथियों, सपा केवल अपने परिवार का कुटुंब बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, यही सपा का चरित्र है। आप याद करिए, सपा का वो जंगल राज, बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था, मां बाप मजबूर होकर बेटियों का स्कूल कॉलेज छुड़वा देते थे, व्यापारी की खोप में जीते थे। अब कौन गुंडा फिर मांग ले, कब किसका प्लॉट कब्जा हो जाए, कब किसका खेत चला जाए? सरकार की जमीन तक पर माफियाओं ने खड़े कर दिए थे, लेकिन जब से योगी जी आए हैं माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छे अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। अब माफियाओं की मौज खत्म हुई है, उनके महलों की जगह गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। यही बीजेपी में और इंडी जमात के बीच में इतना बड़ा फर्क है। साथियों, आज यूपी के लोग गर्व से कहते हैं कि हम यूपी से हैं, सिरा तान करके बोलते हैं। यूपी अब बाकी राज्यों से केवल बराबरी कर रहा है इतना नहीं, अनेक राज्यों से मेरा यूपी आगे निकल रहा है। मैं यूपी का सांसद हूं, आपका पड़ोसी हूं,
मुझे गर्व हो रहा है कि आज मेरे यूपी में देश के सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य मेरा यूपी है, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य मेरा यूपी है, सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो मेरे यूपी में बन रहे हैं। बदलाव कैसे आता है ये बांसगांव, देवरिया और गोरखपुर के लोग खुद देख रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, सीतामढ़ी से अयोध्या तक राम जानकी मार्ग, सहजनवा दोहरी रेल लाइन, ऐसे कितने काम इस क्षेत्र में चल रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन यहां चल रही है। कुशीनगर और गोरखपुर केवल कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर दो दो एयरपोर्ट इस क्षेत्र को मिले हैं। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गोरखपुर में नया एम्स खुला है, कुशीनगर में नया मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। 10 साल के भीतर ये विकास कार्य, लंबी लिस्ट है, लेकिन मोदी तो कहता है ये तो अभी ट्रेलर है। ट्रेलर अगर ट्रेलर इतना शानदार है तो आने वाले 5 साल कितने मजबूती से देश को ऊपर ले जाएंगे आप अंदाज लगा सकते हैं। भाइयों और बहनों, पिछली सरकारों के शासन में यहां किसानों का बहुत नुकसान हुआ। अधिकांश चीनी मिलें बंद हो गई, किसानों को गन्ने की खेती छोड़नी पड़ी। हमारी सरकार सपा के इन गड्ढों को भी भरने का काम कर रही है। हमने गन्ने के लिए एमआरपी बढ़ाया है, गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपए का बकाया चुकाया है। बांसगांव देवरिया के किसानों को किसान सम्मान निधि के भी 1,500 करोड़ रुपया मिले हैं। साथियों, 1 जून को आपका वोट बांसगांव, देवरिया और देश का भविष्य बनाएगा। आपका एक एक वोट सीधा मोदी के खाते में जाएगा। बांसगांव से मेरे साथी भाई कमलेश पासवान और देवरिया से युवा साथी भाई शशांक मणि त्रिपाठी, भारी बहुमत से जितवाना, ज्यादा से ज्यादा वोटों से जितवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे, सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, सभी पोलिंग बूथ में जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, बड़े कमाल के लोग हो यार, इनके लिए बोलता हूं तो जोरों से बोल रहे हो, लेकिन मेरे लिए काम करोगे तो ठंडे पड़ गए। ऐसा कैसा है बताओ, मेरा एक काम करोगे? ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके बताओ। अरे मेरे जिगर के टुकड़े इतने हाँ है, जरा दम लगा के बोलो ना, मेरा एक काम करोगे? देखिए, हर गांव में, हर इलाके में देवस्थान होते हैं, तीर्थ स्थान होता है, आप वहां जाना, मेरी तरफ से मत्था टेकना मोदी की तरफ से, और परमात्मा से आशीर्वाद मांगना है। मांगेंगे? मत्था टेकेंगे? मोदी के लिए आशीर्वाद नहीं चाहिए, मोदी के परिवार के लिए आशीर्वाद नहीं चाहिए, विकसित भारत बनाने के लिए आशीर्वाद चाहिए। करेंगे? पक्का करेंगे? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।